हमारा वायर था यहाँ ज्यादा था, और अब ये गीजर नहीं रहा दोस्तों। ट्रबल टेक पे खुशामदी दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं ओरिएंट का वाटर हीटर गीजर। दोस्तों इसे हम अनबॉक्सिंग करेंगे और इसकी फुल इंस्टॉलेशन भी आपको दिखाएंगे, कैसे मैंने इंस्टॉल किया है और कितने वोल्ट पे पानी गर्म होता है, कितनी बिजली उठाती है और इसकी प्राइस कितना पड़ा दोस्तों, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि ये एक घंटा चलने में कितना वोल्ट उठाता है, प्लस इसकी प्राइस क्या है और ये गर्म करने में वाटर को एक बाल्टी पानी को गर्म करने में कितना समय लेता है, वो भी मैं इस वीडियो में क्लियरली बताऊंगा फुल इंस्टॉलेशन और अनबॉक्सिंग के साथ। 3 लीटर का परचेस किया है और ये जो कंपनी है ये ओरिएंट का मैंने परचेस किया क्योंकि ओरिएंट का जो मॉडल था दोस्तों वो काफी कमाल लग रहा था। दोस्तों एक कमाल की बात आपको बता दें कि इस वीडियो का आप पूरा जरूर देखिएगा, इसमें एक ऐसा चीज निकल गया है जो कि मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो उसको आपको जानना बहुत जरूरी है अगर ये स्टैंड वाटर आप खरीदना चाहते हैं। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों क्योंकि मैं इसमें आपको ऐसा चीज बताऊंगा कि हो सके इस वजह से आप इस गीजर को ना भी ले सके। तो दोस्तों आइए देखते हैं, ओपन करते हैं बॉक्स को और निकालते हैं इसके अंदर से हम अपना प्यारा सा गीजर अमेजोन की तरफ से, क्योंकि अमेजोन से मैंने बहुत चीज़ें मंगाई है, सब सेफ्टी के साथ वो भेजते हैं, तो इसे भी सेफ्टी के साथ ही भेजा है। तो दोस्तों ये मेरा गीजर है, इसे निकाल लेता हूँ। दोस्तों ये काफ़ी भारी है, काफ़ी वेट है इसका, ये गीजर का, और ये काफ़ी कमाल का ये जो है इसका जो डिज़ाइन है दोस्तों वो काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है, बटन के टाइप का है, इसीलिए मैंने इसे परचेस किया दोस्तों। और ये ग्रे और वाइट का जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों काफ़ी कमाल का है। दोस्तों ये कुछ मैनुअल्स है कि कैसे इसको सेटअप करना है, क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है, इसका पाइप जो है वो भी इसमें बता रहा है। तो ये कंटेंट भी काफ़ी कमाल का है, ये ज़रूरत है इसकी क्योंकि हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन सा इन है पाइप में और कौन सा आउट है। जी हाँ दोस्तों ये काफ़ी ज़रूर था। दोस्तों मुझे यहाँ तक लग रहा है कि इसका जो वायर है दोस्तों वो काफ़ी छोटा दिया गया है, बहुत छोटा ही वायर इसका दिया गया, थोड़ा लंबा दिया गया था तो काफ़ी कमाल का हो सकता था, सिर्फ 1 फीट का मेरे ख्याल से इसका वायर दिया गया है। तो दोस्तों ये काफ़ी कमाल का, इसका जो पाइप है दोस्तों वो बिल्कुल पूरी तरह से सील कर करके दिया हुआ है और ये काफ़ी ज़रूरी था, ओरिएंट की तरफ से काफ़ी अच्छा पैक आया है और प्रीमियम लुक भी दे रहा है और काफ़ी कमाल का गीजर लग रहा है। बस वही थोड़ा सा कमी है दोस्तों, तार इसमें थोड़ा छोटा दिया गया। और दोस्तों ये जो है ये आपको 4500 वाट का है दोस्तों, ये काफी ज्यादा वाट का है, तो इसकी भी और भी मैं जानकारी आपको दूंगा वीडियो में, तो वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहिए। और मैंने इसे कैसे सेट किया है और भी कैसा कितनी देर में गर्म पानी निकालता है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा, तो वीडियो पर आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों ये कुछ सामग्री है जो कि इसे इंस्टॉल करने में ज़रूरत पड़ेगी। 1-2 पाइप है स्टैंड वाटर गीजर का, गीजर का ये पाइप है, स्टैंड वाटर का नहीं, किसी भी गीजर में इसे यूज़ कर सकते हैं। ये गीजर का पाइप है, ये एक नल है मैंने लिया है और ये एक इसे क्या बोलते हैं, इसे मैं सिंपली अभी हम लोग चाबी बोलते हैं जो कि इसमें लगाया जाता पाइप में, और यहाँ स्टैंड वाटर गीजर में इसको ऑन करने के बाद पानी जाएगा और नल से पानी आएगा। ये कुछ पाइप के है सामान और ये सिर्फ ग्लू है और ये टेप है जो कि उसमें मारने के कसने आता है, तो और ये पाइप है जो कि गीजर में लगेगा और नल में लगेगा। तो गीजर का पाइप है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा पाइप आता है, आप किसी भी मार्केट से ले सकते हैं। दोस्तों इस तरह से मैं इसको यहाँ पर सेट करूँगा, इस पाइप को पुराने वाले पाइप को काट कर इसको टी लगा कर इसमें चाबी लगा कर इसे सेट करूँगा, तो आपको पूरा मैं इंस्टॉलेशन दिखाऊँगा कैसे मैंने इसे सेट किया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, इस तरह से मैंने पाइप को यहाँ पास लगा लिया है, इसको पाइप को सिंपली इसमें मैं कस दूंगा और इसे काट कर पाइप को जो ब्लू निशान लग रहा है आपको उसको काट कर लगा दूंगा। और ये हमारा गीजर है दोस्तों यहाँ पर, तो मैंने इसे कुछ इस तरह से इंस्टॉल किया है, इसको मैंने यहाँ पास काट कर इसमें चाबी लगा दिया और यहाँ से गीजर में जाएगा और फिर इस वाले पाइप से यहाँ से हम ओपन कर कर इसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पास मैंने इसे काट दिया है, काट कर इसे लगा लिया है चाबी को और इसे पाइप के जरिए से मैंने यहाँ भेज दिया है। दोस्तों अब मैं आपको इसकी एक ख़ास चीज़ बताऊँगा जो कि इस वजह से आप इस गीजर को ना ले सके, क्योंकि मैंने इसे मंगाया था तो मैं यहाँ इसे यूज़ करता था, करीब यहाँ मैं लगाता था तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाता था,
जी हाँ दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर लगाने के बाद इसे स्विच देने के बाद ये ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाता था, इसीलिए मैंने इसे और ये पूरा हीट कर जाता था दोस्तों। ये जो है ये पूरा हीट कर जाता था, पूरा गर्म हो जाता था और ये हमारा वायर था यहाँ जाता था। और अब ये गीजर नहीं रहा दोस्तों, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा टालने की वजह से, ज़्यादा वोल्टेज लेने की वजह से काफ़ी हाई पावर का वोल्टेज लेता था, इसलिए मैंने इसे वापस कर दिया दोस्तों। अब यहाँ पर कुछ सुनसान सा हो गया दोस्तों, गीजर अपना नहीं रहा, सिर्फ पाइप रह गए हैं और कुछ यादें रह गए हैं उनकी सिर्फ दोस्तों। वोल्टेज इतना लेता था, इतना ज़्यादा वाट का था वो, कि मुझे वापस करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाता था। अगर मैं इसे ऐसे पकड़े हुए रहता था तो मेरा जो वहाँ मेन वाला स्विच है वो एक बैग ट्रिप कर जाता था, कभी फ्यूज उड़ा देता था, मतलब वो चलता था गीजर तो घर में लाइट सही से नहीं रह पाती थी, भाग भूख होते रहता था, एक बैग लाइट कट जाता था, फ्यूज उड़ते ही रहता था दोस्तों, इसीलिए मैंने उसे वापस कर दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि दूसरा परचेस करूँगा, तो देखता हूँ अब कौन सा कंपनी का लेता हूँ, कुछ कम वाट वाला लूँगा, क्योंकि इस तरह के वाट वाले तो मेरे पूरे घर के वायरिंग ही उड़ा देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कमाल की वीडियो पसंद आई होगी। आपने गीजर को अगर लेना चाहते हैं तो काफ़ी सोच समझ कर लें आपका किस तरह का वायर से वायरिंग किया हुआ है और कैसा आपका मतलब स्विच वगैरह है घर का, उस टाइप से आप इसे सोच समझ कर लें दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।